was designed by Federal Board of Intermediate and Secondary Education due to COVID-19. So this chapter, the profile, बच्चों आप लोग इस बेस पे इस चैप्टर प्रोफाइल का मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस इस चैप्टर में हमने क्या चीजें करनी है। एक दफा फिर मेरे बच्चों आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूं। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस गिवन बाय फेडरल बोर्ड COVID-19 की वजह से, तो उसमें आपको बच्चों क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर का जो टाइटल है वो एसिड एंड साल्ट्स, तो इस एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में हमें सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस ये करने हैं, सेकंड पीएच स्केल, थर्ड साल्ट। तो तीन मेजर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जिनको हमने समझना है और उसके बेस पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा जो साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, तीन कंसेप्ट्स हैं आपके सिलेबस में इंक्लूडेड, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्रांस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड लीवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इन कंसेप्ट्स में एसिड्स और बेसिस को साइंटिफिक बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया है और इनकी डेफिनेशन साइंटिफिक बेसिस पे की गई है। मैंने आपको बच्चों एसिड एंड बेसिस के बारे में बताया था कि दीज आर इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। डिफरेंट एसिड्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, जो सबसे फेमिलियर एसिड है सिट्रिक एसिड जो सिट्रस जूसेस में है, फिर पिक्रिक एसिड ग्रीन चिलीज में। ये सारे बेटा हम बच्चों ये सारे बेटा मैंने दे दी परमिशन आपको, आप कर ले। तो ये जो एसिड एंड बेसिस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, इन एसिड्स को मेरे बच्चों डेली लाइफ में हम आम लैंग्वेज में इनको तेजाब बोलते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में हम इनको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्पिक के नाम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार्केट में अवेलेबल है, वॉशरूम क्लीनर के नाम पे। इस तरह ड्रेन क्लीनर अगर अंडरग्राउंड पाइप्स में कोई ब्लॉकेज हो तो रिमूव करने के लिए कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसको हम यूज करते हैं। तो एसिड एंड बेसिस दे आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, मेडिसिन बनाने के लिए डेली लाइफ में इनको हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये वर्ड एसिड, इसका सोर्स वर्ड क्या है, एसिडस, ग्रीक वर्ड एसिडस से एसिड का ये वर्ड डिराइव्ड है और एसिडस के मीनिंग सॉर टेस्ट, जिसका खट्टा जायका हो। जिस तरह हम लेमन को देखते हैं उसका खट्टा जायका है, सिट्रस फ्रूट्स उनका खट्टा जायका है। तो ऐसे कंपाउंड्स सबसे पहले जो इनको डिस्कवर किया गया, इनमें एक चीज कॉमन लोगों ने ऑब्जर्व कर ली और वो कॉमन चीज क्या थी कि ऑल दीज एसिड दे हैव गॉट सॉल्ट टेस्ट। जितने भी एसिड होंगे उनका सॉल्ट टेस्ट होगा। इसके बेस पे ऐसे कंपाउंड्स का नाम रखा गया एसिडस, जो बाद में तब्दील हुआ आहिस्ता आहिस्ता, ये वर्ड इवॉल्व हुआ एसिड। अब इन एसिड को एक्सप्लेन करने के लिए तीन कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सबसे पहले एसिड्स को जो साइंटिफिक बेस पे एक्सप्लेन किसने, एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उनका नाम था सर्वांटे अर्हेनियस। इस अर्हेनियस कंसेप्ट के बेस पे मैंने आपको कुछ चीजें प्रीवियस लेक्चर में बताई थी अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट। अब इसका टेक्सचुअल प्रोफाइल मैंने आप लोगों को बेटा बताया था कि इन कंसेप्ट्स में
Arrhenius concept और Bransted concept of acid and bases में हमें क्या क्या points करने हैं, books में इनके बारे में क्या facts given है, उनको textual profile में हम observe करते हैं, इन concepts की सबसे पहले introduction, फिर इनके scientist pioneers का, फिर इन concept के base पे acid और bases की definitions, along with examples और इन concepts की limitations. क्योंकि Arrhenius और Bransted concept तमाम acid और bases को explain नहीं कर सकते. They fail to explain all types of acid and bases. Therefore, both these concepts have some limitations. So at the end of these concepts, we will discuss those limitations. Now, first of all, for Arrhenius concept, the first textual profile for Arrhenius concept is the introduction. That how this was developed to describe acid and bases. Arrhenius concept is based on the ionization of compounds in water. और मैंने आपको बेटा बता दिया कि जब acids और bases को water में dissolve कर दें, तो they split into positive and negative ion. This phenomena is known as ionization. And for ionization of a substance, it must be water soluble. So according to Arrhenius, all those compounds which dissolve in water and during this, their dissolution, they ionize, they split into positive and negative ion. They are described as acid and bases. So this concept is based on ionization of compounds to produce hydrogen ion and hydroxide ion. For acid, hydrogen ions, and for bases, hydroxide ions. तो इस बेस पे Arrhenius ने एसिड और बेसिस को डिस्क्राइब किया. तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताना है कि Arrhenius concept explains acids and bases on the basis of their ionization in water. Arrhenius ने इस concept में acid और bases को explain किया किस बेस पे, on the basis of their ionization in water. For acid and for bases, Arrhenius concept explains their nature on the basis of compounds in the basis of ionization of these compounds in water. So according to Arrhenius, what are acids? Acids को according to Arrhenius concept हम कैसे explain करेंगे, कैसे define करेंगे? According to Arrhenius concepts, acids are those compounds. Acids are those compounds which ionize in water, which ionize in water to produce hydrogen ions. According to Arrhenius, acids ऐसे compounds होंगे कि जब इनको हम water में dissolve करेंगे, they will ionize in water, they will split into ions in water, and during their splitting, they will provide hydrogen ions. Is splitting of compounds into positive and negative ions, I know we have learned it, but just for revision and for to bring continuity in the previous lecture and the present lecture, I seldom go for a smart revision, your smart review of the previous lecture to connect your mind to the previous lectures. So these are the tools that I use during my lectures. So please, aap log pareshan na ho beta ki main dobara cheeze kara raha hu, dobara nahi kara raha hu, just uski connectivity ke liye. Aur ye zaruri hota hai taki previous cheeze aapke mind mein ho aur wo phir aa jaye. So according to Arrhenius concept, acids are those compounds. Basically, acids, what are acids? They are compounds. And what they do? They ionize in water. It means when they are dissolved in water, they ionize and they provide hydrogen ions. And I have already told you about ionization
The splitting of a compound into positive and negative ions when dissolved in water is called ionization. According to Arrhenius, acids are those compounds which provide hydrogen ion when dissolved in water. For example, a compound hai hydrogen chloride gas. Ab ek cheez ko bachcho zehen mein rakh le. Agar is HCl ke niche physical state mein G likha hai, तो इट विल बी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. लेकिन इस HCl के साथ अगर इसका फिजिकल स्टेट AQ लिखा है एक्वस, तो दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डिफाइन इस बेस पे करते हैं. द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहां इस डिस्कशन में एक नई चीज मैंने आपको बताई, अगर HCl के नीचे G लिखा है तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. बट इफ देर इज AQ रिटन बिलो द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, इट विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यू कैन सिंपली से कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. एक तो ये कंसेप्ट अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज अपने माइंड में रख लें. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इस गैस को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शंस. हाइड्रोजन क्लोराइड में यू नो कि हाइड्रोजन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो वाटर मॉलिक्यूल दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग दीज मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स देम in such a way that the negative poles are attracted by the positive part of water molecule and the positive pole is attracted by the negative part of water molecule. As you know that water is a polar molecule and hydrogen chloride is also a polar molecule, and you have learned these things in chapter number 4 class 9th, the structure of molecules. Aap logon ne इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में इनका स्ट्रक्चर देखा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में भी आपने इसका स्ट्रक्चर देखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आपको टीचर ने बता दिया होगा कि ऑक्सीजन कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम्स दे कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस. तो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज डिसॉल्व इन वाटर, इट्स मॉलिक्यूल व्हेन दे इंटरैक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट अट्रैक्टिंग द अपोजिट पोल्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन एंड हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज्ड. This process is called ionization. So HCl, hydrogen chloride gas, when it is dissolved in water, it splits into hydrogen and chloride ion. Or physical states inke kya honge? Aqueous form. Ab is reaction mein physical state likhna must hai. Kyunki according to Arrhenius concept, an acid or a base should be water soluble. So jab ye water mein dissolve hote hain, to inka physical state phir kya hoga? Aqueous. इस तरह बच्चों एक कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डायहाइड्रोजन सल्फेट, फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट. व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट विल प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन. ये स्प्लिट होगा हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस में, ये भी आयनाइजेशन हो गई. सो अकॉर्डिंग टू अर्रहेनियस दिस डायहाइड्रोजन सल्फेट इज एन एसिड. Because when it is dissolved in water, it provides hydrogen. Hydrogen nitrate or nitric acid, when it is dissolved in water, it does the same. It also provides hydrogen ions when dissolved in water. I have given the three examples. In these three examples, you will notice one thing. That HCl and HNO3, they are providing one hydrogen ion, but sulfuric acid H2SO4, it provides two hydrogen ions. There is another acid, that is phosphoric acid H3PO4. When it is dissolved in water, it provides three hydrogen ions. So the number of hydrogen ions provided by these atoms are different.
It depends that how many ionizable hydrogen atoms they contain. इस पे डिपेंड करता है कि कितने इनमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है. बट इन तीन चारों एग्जांपल में वन थिंग इज कॉमन, दैट ऑल दीज कंपाउंड्स व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर दे स्प्लिट इनटू आयन, दे प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस. तो बीइंग द प्रोवाइडर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दीज कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज एसिड्स बाय आर्हेनियस कंसेप्ट. Yes, Varda, we can split hydrogen chloride, we can ionize hydrogen chloride gas into hydrogen and chloride ion. We will pass hydrogen chloride gas through water. We will bubble hydrogen chloride gas through water. Hum hydrogen chloride gas ko water mein bubble karenge, pass karenge. It will ionize in water and it will provide, it will break into hydrogen ion and chloride ion. I think that was your question and I hope you got your answer. तो ये तो बेटा आर्हेनियस ने एसिड्स को डिफाइन किया इस तरीके से. और इन तमाम एग्जांपल में वन थिंग इज कॉमन, दैट इज ऑल कंपाउंड्स दे प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन, सो दे आर टर्म्ड एज एसिड बाय आर्हेनियस कांसेप्ट. ये तो एसिड का कांसेप्ट था. अब आर्हेनियस ने बेस को कैसे डिफाइन किया केमिकल साइंटिफिक बेसिस पे. उन्होंने बेसिस को कैसे डिफाइन किया? बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, बेसिस आर दोज कंपाउंड्स विच आयनाइज इन वॉटर